सभी देश प्रदेश व क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक श्री चुनमुन गर्ग, चुनमुन किराना स्टोर, चौधरीवाड़ा, सिकंदराबाद, चुनमुन किराना स्टोर होलसेल, साइट फॉर ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश में पुलिस के रवैये को लेकर गंभीर सवाल उठाए। प्रदेश सरकार, प्रशासन और पुलिस द्वारा कई जगह अराजकता फैली है। उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जो जिनका कोई न्याय या लीगल आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस अराजकता फैला रही है, धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बिजनौर में दो लड़कों की हत्या की गई, दूध लेने गए बच्चे को पुलिस ने गोली मारी। वहां दो बच्चों की मौत हुई, एक 21 साल का, एक 22 साल का। एक लड़के का नाम अनस, दूसरे का नाम सुलेमान। एक लड़का एक कॉफी मशीन को चलाता था अपने परिवार की आमदनी के लिए। वो अपने घर के बाहर खड़ा था अपने पिताजी के साथ, तो पिताजी को कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, दूध लेने जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा कि अभी मत जाओ, कुछ आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से, तो मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, बस दूध लेके आ। वो बच्चा चले गया, गली में से निकला, वो गली भी मुझे दिखाई उस परिवार ने। पिताजी ने 10 मिनट इंतज़ार किया, फिर कोई दौड़ा दौड़ा आया, कहा कि काले जैकेट पहना हुआ एक लड़का। सुलेमान नाम के लड़के को पुलिस उठाकर ले गई, उसका शव मिला है। पुलिस ने सुलेमान के परिजनों को धमकाया कि अगर आवाज उठाई तो गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर देंगे। अपने परिवार जहां पे वो रहता था वहां दफन करने से मना किया, परिवार को धमकाया कि आप FIR दर्ज करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमे होंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि इसी तरह पूर्व IPS अफसर SR दारापुरी को भी घर से उठाया गया। फेसबुक पोस्ट के साथ एक और फेसबुक पोस्ट डाली जिसमें कहा कि जो भी प्रदर्शन करने जाए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे। उनके घर को यार पुलिस आई, घर से उनको उठाकर गिरफ्तार किया गया। उनकी 75 साल की बीवी बीमार है। उन्होंने फेसबुक पर सिर्फ एक पोस्ट डाली थी और लोगों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने प्रदेश में अब तक 5500 लोगों को डिटेन किया है और करीब 1100 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तार हुए हैं, 1100 डिटेन हुए हैं और 1100 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। अनऑफिशियली ये नंबर डिटेंशन और जेल का नंबर इससे ज्यादा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने भगवा रंग धारण किया है, इन्हें इसका महत्व समझना चाहिए। भगवा उनका निजी रंग नहीं है बल्कि भारत की परंपरा का प्रतीक है। हमारी परंपरा में बदला या हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बदला लेने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए, भगवा धारण किया है। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का, हिंदू धर्म का चिन्ह है। उस धर्म को धारण करिए, उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है, ये कहना चाहती हूँ। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस उन्हीं की सोच पर काम कर रही है और आम जनता को प्रताड़ित कर रही है। कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया कि वो बदला लेंगे, उस बयान पे प्रशासन और पुलिस कायम। अमेरिका से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया कि जनता के खिलाफ बदला लिया जाएगा। जो प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट की गई है, जिसका नोटिस मिला है, उनमें दारापुरी जी भी हैं।
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बीएचयू के बच्चे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसी तरह से वाराणसी में कई बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के और दूसरी यूनिवर्सिटियों के भी कई बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कोई हिंसा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, उनको उठाकर जेल में डाला गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिंसा और तोड़फोड़ करने वाले कौन लोग हैं और इसके पीछे कौन है, इसकी जांच किसी रिटायर्ड जज से करवाई जाए। आम लोगों को नोटिस भेजकर उनसे वसूली करना उनका उत्पीड़न है। जब तक अराजकता और तोड़फोड़ करने वालों की पहचान ना हो जाए, तब तक लोगों को परेशान ना किया जाए। मौजूदा हाईकोर्ट जज या सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की निगरानी की शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लगाए गए मुकदमों की सत्यता और वैधता तत्काल निष्पक्ष जांच का आदेश दिया जाए। न्याय प्रक्रिया पूरी किए बिना संपत्तियों को सील करने, संपत्ति जब्त करने और अन्य दंडात्मक कार्यवाही पर तुरंत रोक लगाई जाए। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी जो निर्दोष है उन पर किसी तरह की एकेडमिक और कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए, ये हमारी चार मांगें हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए, प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून देश की आत्मा के खिलाफ है, हम इसका विरोध करते हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ अनिल सैनी, टाइम 24 न्यूज़।